Hello and welcome. My name is Ashna Lidder and you're watching Mojo Story. Today we are here out in the Delhi sun in the heart of Delhi, that is the Rajpath. There has been news recently that they are changing the name of the Rajpath to Kartavya Path, meaning path of duty, and owed to all the services that are in the line of duty. Today we'll be talking to a bunch of people out here at the Rajpath. We will get to know what they feel and why they feel so. ऐसा इसलिए लगता है कि देखिए सभी चीज में देश में मतलब 100 साल में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है और परिवर्तन ऐसा होना चाहिए जिसको कि देख के लाइक आदमी को होना चाहिए कि नहीं ये सही है। तो कर्तव्य पथ भी सरकार जो रखा है ये नाम वो भी सोच समझ के रखा गया है, क्योंकि राजपथ तो सब दिन से जाना जा रहा है लेकिन कुछ एटीट्यूड कुछ चेंजिंग कुछ होनी परिवर्तन आना चाहिए। पर आपको नहीं लगता कि राजपथ हिस्टोरिक है? हम इतने देर से राजपथ बोल रहे हैं। हिस्टोरिकल कौन बनाया, हम और आप? हाँ जी, तो ये भी कर्तव्य पथ हिस्टोरिकल बन जाएगा आने वाले समय में। ठीक, अभी तक जो सरकार कर रही है पर्सनली अपने हमारे और आपके लिए नहीं, ये देश के हित के लिए। कर्तव्य पथ बोले ये सही है लेकिन वो राजपथ भी हमारे पीछे रहेगा। वो है, वो मिटेगा नहीं, लेकिन ये एक आदमी को दिखाया जा रहा है कि हम जो कर्तव्य कर रहे हैं उस कर्तव्य पथ को भी जाना जाए कि हाँ ये कर्तव्य पथ है। तो ये लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, सरकार को साथ देना चाहिए। सरकार जो कर रही है अभी पब्लिक को उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, सरकार के कदम से कदम मिला के चलना चाहिए ताकि हमारा देश आगे और विकास करे। और आलू टमाटर प्याज पर रहिएगा तो सब दिन आलू प्याज ही खाते रह जाइएगा और देश का नाम कहीं नहीं रहेगा, सब धरातल से नीचे चला जाएगा। हमने अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ सुनी नहीं है और अगर ऐसा है तो ये रॉन्ग है, पुराना ही अच्छा था। आपको लगता है राजपथ कर्तव्य पथ से ज्यादा इस नाम से जाना जाता है? ये तो कोई चीज चेंज क्यों करना है जिसके लिए इतने सालों से चलता आ रहा है, आपको लगता है कि गवर्नमेंट हर चीज में छेड़छाड़ कर रही है? प्रोटोकॉल चेंज ही करना चाहिए जिसके लिए हम जाने जाते हैं। आपको पता है कि जब से बीजेपी की राज आई है तब से राजपथ का बहुत सारे सिटीज का नाम चेंज हो चुका है, तो आपको भी पता है बहुत सारे ऐसे जो है कि मुगलों समय से जो बहुत सारे जो नाम थी वो चीज को चेंज करके हिस्टोरिक चीजें जी उसको चेंज करके अभी जो है बीजेपी के राज में बहुत चीजों की चेंज हो गई है। तो उसमें आप मैं क्या बोलूंगा, विशेष राजपथ भी तो कोई गलत नाम नहीं, राज्य का एक राजपथ बहुत एक यूनिक भी बोर्ड से बड़ा अजीब बहुत अच्छी मतलब जो है। और कर्तव्य पथ आपको कैसा लगता है? कर्तव्य पथ मीन्स क्या होगा कि किसी चीज की कार्य करते हो उसको एक कर्तव्य, किसी को निभाते उसको एक कर्तव्य बोलते हैं। एक्चुअली राजपथ भी बहुत यूनिक नाम था और बड़ी सही था, अच्छा नाम, बट अच्छा मुझे सुनने से भी एक राजपथ जो है कुछ फीलिंग जो होती थी बड़ा अजीब बिल्कुल प्राउड फील होती थी, बट कर्तव्य पथ क्यों रखा है उसके आज तक मुझे उसकी लॉजिक समझ में नहीं आई। लॉजिक समझ तो आपको डेफिनेटली लगता है कि आप खुश नहीं है कर्तव्य पथ से, राजपथ बेटर है? बिल्कुल राजपथ बिल्कुल बेटर था। पता नहीं सरकार की थिंकिंग क्या है, हर एक जगह के नाम चेंज हो रही है। यूपी में तो बहुत सारे आपने सुने भी होंगे, यूपी में सारे शहरों और सिटी छोटे छोटे जगहों के जो है नाम चेंज कर दी गई है, मियाँपुर का मायापुर समथिंग, बहुत सारे ऐसे जो है कि हो गई है। गवर्नमेंट का फैसला तो देखिए चेंज करना मुझे मैं गलत समझ रहा हूँ, कुछ करना नहीं चाहिए था, क्योंकि राजपथ एक बिल्कुल प्राउड फील होती थी कि राजपथ एक बहुत सही नाम है। डू यू नो दैट दे आर चेंजिंग द राजपथ्स नेम टू कर्तव्य पथ? नो एक्चुअली आई डिडंट नो दैट, आई गॉट टू नो फ्रॉम यू। यस, सो व्हाट डू यू फील अबाउट द नेम? सो एक्चुअली name doesn't matter exactly, but then people should know what exactly and why they are changing the name. The public should know about that. Why do you think, in your interpretation, what do you think is going through the government's head when they are changing the name? There must be some reason. I can't exactly say why they are changing the name, but yeah, I probably think that there must be some reason behind changing the name. But yes, I do also want to know that why they are changing name and what is the reason behind it. Yes, yes. So you're still searching for the reason. Yes, that's and true. Do you think that the Rajpath name has been so historic in India's? Yes, it is. Yes, that's why, and everyone knows about it. It's quite famous. I mean, everyone is familiar with the name. Yes, and that's why they visit Rajpath Path and Bhavan. हमारे देश में आपको पता है कि पहले मुगलों ने राज किया, फिर उसके बाद अंग्रेजों ने राज किया, तो ये जो राजपथ है पहले इसका नाम किंग्सवे रोड हुआ करता था ब्रिटिश टाइम में, उसके बाद इसका नाम राजपथ पड़ा। लेकिन अभी जो अंग्रेजों की उस जमाने के जो जहाँ भी
गुलामी की निशानी है उसको ये सरकार बदल रही है कि जो लोगों के अंदर एक गर्व होना चाहिए, एक अभिमान होना चाहिए कि हमारी। पर आपको नहीं लगता कि राजपथ में काफी गर्व और अभिमान था? नहीं, ऐसा है कि चूंकि ये अंग्रेजों के जमाने से था तो उसको चेंज करने में कोई मुझे लगता है बुराई नहीं है, क्योंकि राजपथ से अगर उसको कर्तव्य पथ का मतलब होता है कि आपकी जो ड्यूटी क्या है, तो अगर ड्यूटी से रिलेट इसको कर दिया तो मुझे लगता है नाम बदलने में कोई हर्जा नहीं है। और जहाँ हम, अगर आपको याद हो, प्रधानमंत्री ने इस बार अपने 15 अगस्त के स्पीच में कहा था कि गुलामी का अगर जरा सा भी अंश हो तो उसे निकाल दीजिए, तो मुझे लगता है कि उसी लाइन थॉट पर ही काम कर रहे हैं कि गुलामी की जहाँ भी गुंजाइश है उसको खत्म करें। देखिए, आपके सामने नई पार्लियामेंट बन रही है जो अंग्रेजों के निशानी है उसकी जगह नई एक हिंदुस्तान के निशानी। तो आपको लगता है कि ये जो कर रहे हैं वो सही है और सेंट्रल विस्टा, कर्तव्य पथ सब सही है? सेंट्रल विस्टा तो पहले से ही था, इसका सौंदर्यकरण किया गया और सुंदर उसको बनाया गया, लेकिन उसके बाद जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये कृषि भवन है या शास्त्री भवन है, या सामने आपका जो उद्योग भवन है, इसकी जगह नई बिल्डिंगें तैयार हो जाएंगी, तो एक नया, एक जो सेंट्रल विस्टा का एक नया लुक होगा, एक जो हिंदुस्तान की, जैसे आपने, पर कृषि भवन, राष्ट्रीय शास्त्री भवन सब हिंदुस्तान की तो निशानी है, लेकिन ये पुराने ढर्रे पे बने हुए हैं और इनमें स्पेस नहीं है जिस तरह से हमारा विस्तार हो रहा है। पर नेम चेंज करने की क्या जरूरत? नेम चेंज करने, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी ये सोच यही होगी कि लोगों को एक नया फील कराया जाए, अगर नई चीज बनी है तो नाम भी नया हो, मुझे ऐसा लगता है। बाकी सोच तो प्रधानमंत्री की है, आपको लगता है सही है? मुझे लगता है इसमें कोई हर्जा नहीं। मेरे को तो एकदम अजीब सा महसूस हो रहा है, क्या अच्छा था राजपथ रोड, अच्छा लगता था, नाम लेते में गर्व महसूस करते थे लोग, राजपथ रोड पे चल रहे हैं, तो मुझे तो एकदम ऐसा लग रहा है, बिना अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। कर दिया चेंज कर्तव्य पद, कर्तव्य का मतलब वो हो गया, एक कौन है कर्तव्य? राज का मतलब हमारा राज होता है, राजपद हम राज के कदम पे या रोड पे खड़े हैं, पर कर्तव्य का मतलब हो गया कार्य करने वाला, ड्यूटी करने वाला, तो जो ड्यूटी कर रहे हैं ये भी ठीक है कर्तव्य पर, जो ड्यूटी कर रहे हैं ऑफिस में ड्यूटी कर रहे हैं उनके नाम पे मोदी जी ने कुछ तो कहा होगा कि इसका नाम चेंज करो, तो हर प्रोग्राम चेंज कर रहे हैं तो ये भी चेंज कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है उनकी। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.